हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होपफुली गाइस आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। गाइस दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पिछले कुछ दिनों से ठंड काफ़ी अच्छी खासी पड़ रही है और जिन लोगों के स्वेटर जैकेट नहीं निकले थे वो सब निकल चुके हैं और सब ने पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। और दो तीन दिनों बाद में आज धूप दिखी है दिल्ली के अंदर, तो बहुत अच्छी लग रही है ये धूप। तो इतनी प्यारी सी धूप को देखकर मेरा भी मन कर गया कि आज एक राइड हो ही जाए, तो मैं आ गया हूँ एक राइड पर। यहाँ कैसे ट्रैफिक लगा हुआ है मेन फ्लाईओवर पर? ऐसा होता नहीं है, आई थिंक ये ट्रैफिक नहीं है, बस ट्रैफिक स्लो चल रहा है और वो भी इन दोनों गाड़ियों की वजह से। हाँ, एक गाड़ी ख़राब हो गई है तो दूसरी वाली इसको टो कर रही है, जिसकी वजह से पीछे का जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गया है, बट कोई बात नहीं। गाइज आज की वीडियो में हम बातें कम करेंगे और राइड को इन्जॉय ज़्यादा करेंगे। लिटरली गाइज मेरे को अभी भी ठंड लग रही है, मैं पूरा कवर्ड हूँ, मैंने ग्लव्स भी डाले हैं और फुल स्लीव की मैंने जैकेट भी डाली हुई है, बट फिर भी मेरे को ठंड लग रही है। और इतनी अच्छी खासी धूप होने के बावजूद भी हवा जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो ठंड तो है बट धूप की वजह से थोड़ी सी कम हो गई है। और सुबह और शाम की जो ठंड है वो तगड़ी वाली है, क्योंकि कल शाम को मैं आ रहा था कहीं से बाइक पर ही, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसी वजह से आज मैं पूरा कवर होके आया हूँ। यहाँ हमें रुकना पड़ेगा गाइज, रेड लाइट है और ज़्यादा लंबी रेड लाइट नहीं है, सिर्फ सेकंड है। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। अरे भाई आपको ज़्यादा तेज़ी है, आपको ज़्यादा जल्दी है, चलो आप निकल जाओ पहले। ये देखिए गाइज ये जा रहा है गुड़, ठंड के टाइम में गुड़ बहुत ही अच्छा लगता है, मैं तो खाता ही हूँ एंड आई नो आप लोग भी खाते होंगे, क्योंकि ठंड में गुड़ खाने का मज़ा अलग ही आता है खाने के साथ में। एक और रेड लाइट, हमें यहाँ पर भी रुकना पड़ेगा। और यहाँ कितने सेकंड्स की रेड लाइट है गाइस, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, बट 20 सेकंड अभी हमें रुकना है यहाँ पे। तो काउंटडाउन शुरू, 3 2 1 गो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और ये देखिए गाइस साइकिल वाले भैया को पाइप लेके जा रहे हैं और एक हाथ से साइकिल चला रहे हैं, एक हाथ से पाइप पकड़ा हुआ है, तो ये तो हैवी ड्राइवर निकले। एक और रेड लाइट आ गई है गाइस और ये है 34 सेकंड की, तो यहाँ पर भी रुकना पड़ेगा। अपनी बाइक कर देते हैं ऑफ, क्योंकि दिल्ली में हर जगह रेड लाइट पर लोग खड़े हैं और जिन्होंने एक बैनर लिया हुआ है कि रेड लाइट ऑन तो गाड़ी ऑफ, तो इसलिए हमने भी उसको फॉलो करते हुए अपनी बाइक जो है वो ऑफ कर दी है। इससे पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम होगा और हमारी जो बाइक में फ्यूल जो लगता है वो भी बच जाएगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा पर थोड़ा बहुत बच जाएगा। और हमें यहाँ से लेना है राइट, तो हम राइट मुड़ चुके हैं। बाकी इन गड्ढों का क्या कर सकते हैं आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में कि इन गड्ढों का क्या किया जाए। वैसे तो हम और आप मिलकर कुछ कर नहीं सकते हैं, जो करेगी गवर्नमेंट या फिर MCD कर सकती है, बट कर देना चाहिए यार इनको ठीक, ऐसे गड्ढे जो हैं रोड पर अच्छे नहीं लगते हैं। अरे भाई आपको लेफ्ट मुड़ना है तो इंडिकेटर दो ना यार, बिना इंडिकेटर दिए ही आप मुड़े चले जा रहे हो और फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो ब्लेम लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, बट कोई नहीं गाइस। तो चलिए सुजुका की पेट पूजा करवा दी जाए। तो गाइस सुजुका की पेट पूजा हो गई है और हमने ज़्यादा का नहीं, सिर्फ 200 का फ्यूल अप कराया है, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं है कहीं दूर जाने का, अभी यहीं लोकल में ही थोड़ा सा राइड करने का प्लान है, तो इसलिए मैंने कम का ही डलाया है। जब कहीं थोड़ा दूर जाएंगे तो ज़्यादा का भरा लेंगे, अभी इससे ही काम चल जाएगा। और अभी आपको पता ही है कि फ्यूल कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के ही भराना पड़ता है। और बातों बातों में एक और रेड लाइट आ चुकी है और ये वाली थोड़ी सी लंबी है, 41 सेकंड्स की है, तो यहाँ पर भी हम अपनी बाइक कर देंगे ऑफ।
ये हो गई बाइक ऑफ। और यहाँ पर किस बात का ट्रैफिक है भाई, यहाँ पर किस बात का ट्रैफिक है? मुझे समझ नहीं आ रहा, देखते हैं आगे। आई थिंक ये लोगों ने ट्रैफिक लगा रखा है, ये जो पैदल क्रॉस करने वाले जो लोग हैं इन्होंने ट्रैफिक लगाया है यहाँ पे। यहाँ पर भी एक और रेड लाइट। गाइज मुझे लग रहा है हम लोगों की आधी लाइफ तो रेड लाइट पे खड़े होके ही निकल जाएगी, क्या कहते हो आप लोग? ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े ब्रेकअप बना देते हैं जिनका कोई सेंस भी नहीं है। और ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है जेल से कूद के भाग रहे हैं या फिर स्कूल से भाग रहे हैं। बट ऐसे कूदना और ऐसे उतर के आना बहुत ज़्यादा रिस्की है, मेरा या किसी और का भी एक्सीडेंट हो सकता है, आपके भी लग सकती है। और देखिए यहाँ पे भी यही काम करने वाले हैं आई थिंक, तो ये बहुत ही डेंजरस है, इसको ना करें तो ही ज़्यादा बेटर है। तो बाकी यहाँ पे देखिए रोड कितनी खाली है, तो राइड करने में और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये फर्स्ट रेड लाइट मिली है मुझे, जो ग्रीन मिली है, तो इतनी खुशी हो रही है मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। जैसे कि मुझे एक नोटों से भरा बैग मिल गया हो, इतनी खुशी हो रही है मेरे को। हाँ मुझे पता है बहुत बुरा था, बट कोई बात नहीं। और ये क्या लेके जा रहे हैं भाई, ये क्या है? ये बस का स्टीयरिंग है क्या? नहीं पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या है ये। गाइस आप में से किसी को पता हो कि ये क्या है, ये गोल सा, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताना। आई थिंक ये जो गारमेंट्स वाली शॉप पे होता है ना, वो ऐसे करके सर्कल लगा देते हैं, उसके ऊपर फिर जो भी कपड़े होते हैं वो लटका देते हैं, आई थिंक ये वो था। और बाकी आप लोग मेरे को बताइएगा कि ये एक्चुअल में था क्या, क्या मैं सही पहचान रहा हूँ या फिर कुछ और है ये, तो ये आप मेरे को बताइएगा। गाइस मैं बस एक ही चीज़ का वेट कर रहा हूँ इस वीडियो में, और वो मिल जाती है तो मैं वीडियो को कर दूँगा एंड। और वो क्या चीज़ है ये आपको तभी बताऊँगा जब मिल जाएगी। मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ बट अभी तक नहीं मिल रही है, बट मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ढूंढता रहूँगा वो चीज़ जो मुझे चाहिए। कहाँ हो तुम प्यार में तेरे यहाँ हम गुम, कॉपीराइट ना लग जाए। हाँ गाइज अब वो चीज़ मिल गई है, और वो चीज़ है ऐसे ट्रकों के पीछे लिखी हुई शायरी, आप लोगों ने सुना होगा गाइज, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और यहाँ लिखा है बुरी नज़र वाले कुछ कमा के खा ले। वाह 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 वाह, क्या शायरी है। खैर ये शायरी नहीं है, ये तो बस एक स्लोगन सा था जो कि मैंने तो पहली बार सुना, आई होप आप लोगों ने भी पहली बार ही सुना होगा ऐसा कुछ, बुरी नज़र वाले कुछ कमा के खा ले। वेरी नाइस, मज़ा आया। तो गाइज आई थिंक आपको ये स्लोगन सुन के मज़ा आया होगा, और मेरी वीडियो देख के भी मज़ा आया होगा। और अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।